नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल पढ़ के आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो मैंने अपनी माँ की याद में बनाया है। वैसे तो आज यानी कि 2 मार्च मेरा जन्मदिन है, लेकिन शायद ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा जन्मदिन है, क्योंकि मुझे जन्म देने वाली माँ ही मेरे साथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ गुड़गांव में हूँ और कुछ हजार किलोमीटर दूर मेरी माँ कलकत्ता में है। मुझे ये बताते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि मेरी माँ हमेशा के लिए मुझे छोड़कर जा चुकी है। आज के दिन मैं उनसे फोन पे बात नहीं कर पाऊंगी, उनसे मिल नहीं पाऊंगी, उनके हाथ का बनाया हुआ केक भी नहीं खा पाऊंगी, उनसे गले भी नहीं मिल पाऊंगी। तो माँ से बात किए बिना जन्मदिन कैसे मनाऊं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। इसलिए मैंने सोचा है कि आज के दिन मैं माँ को याद करूंगी और उनके लिए थोड़ा सा कुछ करूंगी। इसी तरह से आज का दिन बस बिता देना है मुझे, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ अपनी माँ को याद करके। 15 जनवरी लंच करके मैं अपने बेटे के साथ लेटी ही हुई थी कि अचानक मेरे पापा ने फोन किया। उन्होंने बताया कि एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है और वो लोग बाइक पे कहीं जा रहे थे और पीछे से एक सरकारी बस ने उन्हें धक्का मारा है। पापा को थोड़ी बहुत चोट आई है, लेकिन मम्मी की हालत सीरियस है। बस इतना सुनते ही हम भागे भागे कलकत्ता गए। वहाँ रात के करीब 1 बजे मैं अपने मायके पहुंची और मैं देखकर चौंक गई कि सारे करीबी रिश्तेदार इतनी रात को सब मेरे घर पे हैं। और तभी मुझे पता चला कि मेरी माँ अब नहीं रही। उन्होंने उसी वक्त दम तोड़ दिया था जब उन्हें चोट लगी थी। हॉस्पिटल तक ले जाने का मौका नहीं दिया गया, किसी भी तरह का इलाज का मौका नहीं दिया उन्होंने। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सच हो सकता है। अचानक से जैसे मेरी माँ मेरी जिंदगी से गायब हो गई। आखिरी बार न मैं उनसे मिल पाई, न उनका चेहरा देख पाई, लेकिन फिर भी इकलौती संतान होने के नाते उन्हें मुखाग्नि मैंने दी, अस्थियां भी गंगा में मैंने बहाई और अंतिम संस्कार भी मैंने किया। 15 जनवरी को ये हादसा हुआ और मैंने 19 जनवरी को अपनी माँ का श्राद्ध कार्य संपन्न किया। इससे पहले तक ये दिन मैं किसी और तरह से मनाती थी। मेरे कई दोस्त और दूर के रिश्तेदार जिन्हें माँ के एक्सीडेंट के बारे में पता नहीं था, वो मुझे कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, हैप्पी एनिवर्सरी विश कर रहे थे, पूछ रहे थे कि मैं क्यों उनके कॉल्स का मैसेज का जवाब नहीं दे रही। इस दिन को मैंने कितना प्लान किया था, क्या पहनूंगी, कहाँ लंच करने जाऊंगी, हस्बैंड को क्या गिफ्ट दूंगी, और असल में मैंने उस दिन क्या किया, मैंने सफेद साड़ी पहनकर माँ का श्राद्ध किया, पिंडदान किया और भगवत गीता पढ़ी और बस सिर्फ रोती रही दिन भर। मुझे याद है पिछले साल लक्ष्मी पूजा में मैं अपने मम्मी पापा के साथ गांव गई थी। मैंने अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक लक्ष्मी पूजा व्लॉग भी शूट किया था। वो ही माँ के साथ बिताए हुए आखिरी पल थे। उसके बाद मैं गुड़गांव आ गई। क्या पता था कि फिर कभी मुलाकात नहीं होगी। उस भयानक दिन से लेकर आज तक मैं बस यही समझने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं कैसे इसे डील करूँ, कैसे अपने दिमाग को काम में वापस लाऊं, कैसे मैं दोबारा खुश होने की कोशिश करूँ और कैसे अपने आसपास के लोगों को खुश रखूं। ये दुख आज भी उतना ही ताजा है जितना उस रात को था, बल्कि बढ़ रहा है। जितना ही मेरा बर्थडे पास आता जा रहा था, उतना ही मेरा मन और भी दुखी होता जा रहा था। मेरा दम घुट रहा था। माँ की बातें, माँ की डांट, उनके जोर से हंसने की आवाज, हमेशा फोन पे बकबक करते रहना, उनकी कविताएं, ये सारी यादें बस घेर रही थी मुझे। मैं अपने दिमाग को इनसे बाहर नहीं निकाल पा रही थी। फिर मैंने अपने माँ के नजरिए से सोचने की कोशिश की, अगर माँ जिंदा होती और मुझे कोई और दुख सता रहा होता तो वो कैसे मुझे संभालती, क्या समझाती। मुझे याद आया कि जब बचपन में मैं किसी बात से दुखी होती थी, पापा से डांट पड़ी हो या नंबर कम आए हो, जब मैं रोती थी
तो माँ मुझे यही कहती थी कि चलो कोई अच्छी सी ड्राइंग बनाओ, देखना मन हल्का हो जाएगा। इसी तरह से बचपन से ही मेरी माँ ने आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ मेरा नाता जोड़ा था। मेरे यूट्यूब के चैनल में भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, तो मैं अब से उनके नजरिए से दुनिया को देखने की कोशिश करूंगी। तो अगर माँ के नजरिए से सोचूं तो उनकी सबसे प्यारी चीज जो उनके दिल के सबसे करीब थी, सबसे कीमती, वो थी उनकी इकलौती संतान यानी कि मैं। तो अपने जन्मदिन पर इस तरह से मैं आंसू बहा रही हूँ, ये शायद उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा। इसीलिए मैं हिम्मत जुटाऊंगी, दोबारा अपने काम में मन लगाऊंगी, इस एक्सीडेंट को मैं अपनी जिंदगी से डिलीट कर दूंगी। बस मैं उनकी अच्छी बातें याद रखूंगी, उनका हंसता हुआ चेहरा हमेशा याद रखूंगी। इसलिए आज अपने बर्थडे के दिन मैंने फिर से हिम्मत जुटाई है, मैं अपना काम, अपने YouTube का काम शुरू करना चाहती हूँ इसी वीडियो के जरिए। उस दिन के बाद आज पहली बार मैं अच्छे से तैयार हुई हूँ, मैंने मेकअप किया है, आईलाइनर लगाया है, काजल लगाया है, मम्मी की फेवरेट पिंक लिपस्टिक लगा रही हूँ। इसीलिए आज मम्मी को याद करके मैं उनकी ये साड़ी पहन रही हूँ, साथ ही ये नेकलेस और इयररिंग्स का सेट मैंने उन्हें बना के दिया था, ये उनको बहुत पसंद था, ये भी मैं पहन रही हूँ जो इस फोटो में उन्होंने पहना हुआ है। मुझे लगता है कि आज के दिन माँ की साड़ी पहनना माँ को आसपास महसूस करने का अच्छा तरीका है। ये साड़ी अक्सर माँ अपने आवृत्ति यानी कि कविता पाठ के प्रोग्राम्स में पहना करती थी। और ये ज्वेलरी, ये एक हैंडमेड ज्वेलरी है जो मैंने ही बनाकर अपनी माँ को गिफ्ट की थी। मम्मी के कुछ गहने भी हैं जो आखिरी वक्त तक उनके हाथ में थे, पापा ने ये मुझे दिए हैं, मैंने पहन रही हूँ। ये अंगूठी मैंने अपना बीटेक खत्म करने के बाद जो पहली नौकरी की थी उसकी पहली सैलरी से मैंने मम्मी को बनवा के दी थी। ये गोल्ड की रिंग है, ये उस टाइम से लेकर 2009 से लेकर आखिरी दिन तक, आखिरी टाइम तक उनके उंगली में था, तो उन्हें हमेशा अपने पास रखने के लिए ये अंगूठी मैंने पहनी है। तो सब कुछ कंप्लीट करने के बाद मैंने एक टेबल सजाया है, माँ की फोटो रखी है और माँ को डेडिकेट करके एक पेंटिंग बनाने वाली हूँ। हम हमेशा अपने बर्थडे पर अपने बारे में ही सोचते हैं, नई ड्रेस पहनेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, पार्टी करेंगे, गिफ्ट लेंगे, लेकिन उस इंसान को कुछ नहीं देते हैं जिनकी वजह से हम हैं, हमारा अस्तित्व है। तो इसीलिए आज मैं ये पेंटिंग बना रही हूँ। मैं भारत के बहुत ही प्रसिद्ध पेंटर जामिनी रॉय जी की पेंटिंग बना रही हूँ। इसमें एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोद में है। ये पेंटिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं आज इसे ड्रॉ कर रही हूँ। पेंटिंग की पूरी डिटेल्स और कलरिंग मैं अपनी अगली वीडियो में डालूंगी। इस पेंटिंग से पहले मैंने दो स्ट्रेस रिलीफ पेंटिंग्स भी बनाई हैं जिन्होंने मुझे मेरे दुख से उभरने में काफ़ी मदद की। उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। तो अचानक से माँ के चले जाने का शोक मुझे शुरुआत में डिप्रेशन की ओर ले जा रहा था, लेकिन पेंटिंग के ज़रिए मैंने अपने आप को इस दुख से बाहर निकाला। शायद माँ ने ही मुझे ये रास्ता दिखाया। माँ जहाँ कहीं भी हो, खुश रहे, बस यही कामना करती हूँ। और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को प्रॉमिस करती हूँ कि पहले की तरह अब फिर से मैं नए नए आर्ट एंड क्राफ्ट के पेंटिंग्स के वीडियोस लाती रहूँगी। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। ट्राई टू डू समथिंग क्रिएटिव एवरी डे सो दैट यू कैन हील योर हर्ट योरसेल्फ। थैंक यू।